देखिए, इम्पार नाम का संगठन एक राष्ट्रीय स्तर पर है, इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स, यानी बदलाव और तरक्की के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की पहल। तो उसमें जिला कार्यकारिणी आज गठित हुई है और कोई 32 ज़िले दिल्ली के आसपास के हैं, जिसमें 22 ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ पे जिला लेवल पे संगठन डालने हैं ताकि तमाम सारे सामाजिक सद्भाव के कार्यक्रम, सामाजिक विकास के कार्यक्रम, बच्चों को नौकरी से जोड़ना, एक करियर गाइडेंस के प्रोग्राम्स और जिला प्रशासन से एक तालमेल की ज़रूरत है उसका कार्यक्रम, तमाम सारे ऐसे हैं जो करना है जिला लेवल पे, तो उसके लिए एक संगठन की ज़रूरत है। तो आज की जो कार्यकारिणी है, जिसमें 15 लोग नामित हुए हैं और आसिम साहब जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इसके आज नामित हुए हैं, तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो प्रोग्राम्स हैं उनको संचालित करेगा। इसमें मीडिया से भी एक जुड़ाव का एक पहल है कि मुसलमानों के नज़रिए से महीने में 2 बार मीडिया के साथ भी वार्ता होनी चाहिए और तमाम अवेयरनेस कार्यक्रम, जागरूकता सप्ताह चलाने की ज़रूरत है। मुस्लिम थिंक टैंक है हमारा, तो इम्पार के आज डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी है हमारी वो गठित हुई है, तो उसके अलाउंस के लिए हमारे इम्पार के अध्यक्ष जनाब खान साहब इसका अलाउंस करने के लिए आए हैं। इम्पार एक थिंक टैंक है जो मुसलमानों की सही तस्वीर पेश करने का काम करेगा। तो आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? मुझे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले 15 दिन में हम लोग कानूनी सहायता समूह, जिससे कि हमारे मुस्लिम लोग भटके हुए हैं, उनको कानून की सहायता नहीं मिल पाती, वो करेंगे। दूसरा महिला अधिकारिता समूह, वो बनाएंगे। तीसरा अनुसंधान समूह और 14 मीडिया आउटरीच समूह, 5वां विदेशी समूह और 6ठा युवा अधिकारिक समूह, सामाजिक कार्य समूह, खाद्य और कृषि समूह, मस्जिद और मदरसा समूह, शिक्षा और नौकरियां समूह, नीति वकालत समूह, कौशल और उद्यम समूह। ये हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन समूहों को बनाना है और इनको सुचारू करना है, लोगों तक, निचले लोगों तक इनको पहुंचाना है, उनको अवेयर करना है। ये जिम्मेदारियां मुझे इम्पार ने दी हैं और मैं समझता हूं कि जो मेरी टीम है हमारी, उस टीम के सहयोग से मैं इसको बहुत जल्द पूरा कर लूँगा। और आपको ज़िला अमरोहा में जो छवि एक निखारने की, सुधारने की बात है मुस्लिम की, वो आपको बहुत जल्द नज़र आएगी।